मेरी जान, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं SBI सर्वर डाउन टुडे या फिर SBI टेक्निकल इशू या फिर दोस्तों SBI का दोस्तों फंड पे में बैलेंस चेक करने में प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल इशू आ रहे, या फिर दोस्तों SBI का दोस्तों जो अकाउंट है या फिर दोस्तों फंड पे में काफी सारे लोगों का बैलेंस चेक नहीं हो रहा है, काफी सारे लोगों का फोन पे में दोस्तों पैसा फंस गया है SBI का, दोस्तों इस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं जो कि दोस्तों आज की इस वीडियो बताने वाला हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सिंपली देखिए दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम अभी फोन पे में आ रहा है SBI में, ये दोस्तों आज से नहीं, आज लगभग दोस्तों 2 से 3 दिन में आ रहा है, तब जाके दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि काफी सारे लोगों को इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। सिंपली देखिए, आप लोगों को क्या करना है कि अगर SBI में दोस्तों सर्वर डाउन है या फिर टेक्निकल इशू है या फिर दोस्तों वहां पे बैलेंस चेक नहीं हो रहा है, तो सिंपली देखिए सबसे पहला काम जो कि मैं आप लोगों को बता दूं, आपका जो भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जो भी आप यूज करते हैं, सिंपली क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को प्ले स्टोर में चले जाना है, ठीक है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपका जो फोन पे है, सिंपली यहाँ पे आप लोगों को लिख लेना है फोन पे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों सिंपली फोन पे लिख लेना है, सॉरी फोन पे नहीं हुआ है लेकिन फिर भी आ जाएगा फोन पे, तो यहाँ पे देख सकते हो फोन पे आ जाएगा। सिंपली आप लोग क्या करना है कि आपका जो फोन पे उसको अपडेट कर लेना है, अगर आपने अब तक अपडेट नहीं किया तो दोस्तों ये प्रॉब्लम ना काफी ज्यादा अपडेट की वजह से भी आता है कि आपने काफी टाइम से फोन पे को या फिर गूगल पे को, पेटीएम को अपडेट नहीं किया है, जिसके कारण भी वहां पे सर्वर डाउन का या फिर टेक्निकल इशू का प्रॉब्लम आता है। अब दोस्तों आप लोगों को ना दूसरा ट्रिक को यूज कर लेना है, शायद दोस्तों आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो दोस्तों उसके लिए आप लोग क्या करना है, अगर आप पे यूज करते हैं या फिर गूगल पे यूज करते हैं या फिर दोस्तों पेटीएम यूज करते हैं, जो भी यूज करते हैं, सिंपली आप लोगों को क्या करना है कि दोस्तों अपडेट करने के बाद आपका जो फोन पे होगा, सिंपली आप लोगों को इसके ऊपर कुछ इस तरीके से दबा के रखना है। जैसे ही दोस्तों दबा के रखोगे ना, तो यहाँ पे आई वाला ऑप्शन आ जाएगा, सिंपली आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अगर यहाँ पे आई का दोस्तों ऑप्शन नहीं आता है तो आप लोग दोस्तों मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है, वहां पे दोस्तों आप लोगों को एप्स मैनेजमेंट या फिर दोस्तों एप्स इन्फो या फिर दोस्तों वहां पे एप्स लिखा हुआ रहेगा, सिंपली उसके ऊपर क्लिक करके आप लोगों को आपका जो भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी है उसको ढूंढ लेना है। ढूंढने के बाद यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को फोर्स स्टॉप जहां पे देख सकते हैं सबसे नीचे में दोस्तों राइट कॉर्नर पे लिखा हुआ रहा फोर्स स्टॉप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के सामने स्टोरेज के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को एक बार क्लियर कैच भी कर लेना है। क्लियर डाटा करोगे तो फिर दोबारा से आप लोगों को बैंक वगैरह एड करना होगा, तो क्लियर डाटा नहीं करना है, ओनली क्लियर कैच करके भी देख लेना, शायद आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाए। ये जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो दोस्तों ये आपको अकेला नहीं आ रहा है दोस्तों, जितने भी SBI के यूजर है या फिर दोस्तों जितने भी लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम यूज कर रहे हैं, काफी सारे लोगों को इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। सिंपली देखिए मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि क्रोम में चले जाना है। क्रोम में जाने के बाद यहाँ पे दोस्तों मैं सर्च बार में आ गया और यहाँ पे दोस्तों मैं लिखता हूँ, ठीक है, SBI, ठीक है, SBI सर्वर डाउन, ठीक है, तो आप लोगों के सामने आ जाएगा। सिंपली आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, वीडियो को स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI डाउन, सिंपली इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा ना, तो अब आप लोगों को पता चल जाएगा कि SBI का सर्वर डाउन क्यों है और आप लोग दोस्तों कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, और दोस्तों आपको कब पैसे को ट्रांजेक्शन करना है दोस्तों फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से, तब तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ रहेगा। तो यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, जो SBI का दोस्तों ये ग्राफ है ना, अब आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा हाई है, आप लोगों के सामने यहाँ पे लाइव प्रूफ है कि कितना ज्यादा हाई है, जिसके कारण दोस्तों आप लोगों को ये सर्वर डाउन या फिर दोस्तों टेक्निकल इश्यू का प्रॉब्लम आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग नीचे अगर स्क्रॉल डाउन कीजिएगा ना, तो यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों आपके जैसे हजारों लाखों लोग है जो कि दोस्तों SBI को रिपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे बता रहे कि ये प्रॉब्लम आ रहा है हमको। तो दोस्तों आपके जैसे जितने भी लोग है, सब लोगों को SBI ये प्रॉब्लम चल रहा है। अब मैं यहाँ पे बता दूं कि इसको आप लोग कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, आप लोगों को ये जो ग्राफ आप लोगों का हाई है ना, सिंपली यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हैं कि दोस्तों एक जगह है जहां पे दोस्तों ग्राफ काफी ज्यादा डाउन है। सिंपली अगर आप लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों टाइम शो कर रहा है, जैसे कि देख सकते हैं 16 अक्टूबर 3:09 AM, ठीक है। अगर आप इस टाइम दोस्तों फोन पे में पैसा ट्रांजेक्शन करते हैं तो दोस्तों आप लोगों को टेक्निकल इश्यू का या फिर दोस्तों वहां पे सर्वर डाउन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहां से दोस्तों आप लोगों को यह पता चल जाएगा कि आप लोगों को इस टाइम दोस्तों आप लोगों को फोन पे या फिर गूगल पे में आप लोगों को पैसे को ट्रांजेक्शन करना है। अगर दोस्तों आप लोग ट्विटर में भी जाकर के अगर पता करते हैं तो आप लोगों को पता चलेगा कि काफी सारे लोग दोस्तों जो कि SBI को रिपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे कि हमारा इतना इतना पैसा फंस गया है और यहाँ पे हम लोगों को टेक्निकल इश्यू आ रहा है, बैलेंस चेक नहीं हो रहा है, सर्वर डाउन है, ये कब तक ठीक होगा, इसके बारे में अब आप लोग सुन लीजिए। तो दोस्तों देखिए, SBI की जो टीम है दोस्तों लगातार
काम कर रही है, ठीक है। काफी जल्दी दोस्तों ये प्रॉब्लम आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आपको टेंशन नहीं लेना, कोई भी वीडियो वगैरह नहीं देखना है, बस दोस्तों आप लोग वेट कर लीजिए। आपका दोस्तों जो भी सर्वर डाउन या फिर दोस्तों टेक्निकल इश्यू का दोस्तों वहां पे लिखा हुआ है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम में, वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा।